नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन निर्णय और आज हम आप पहुंचे हैं 126 विधानसभा आवला में, जो कि बीएसपी प्रत्याशी हैं श्री लक्ष्मण प्रसाद मोदी जी, इनके समक्ष हमारे समक्ष आए हुए हैं और इनसे हम बात करते हैं कि जनता में और गांव में जो घूम रहे हैं हमारे प्रत्याशी जी, उनका क्या रुझान मिल रहा है जनता की तरफ से, आइए इनसे बात करते हैं। जनता का रुझान तो ये है कि जनता का इस समय पर, क्योंकि मैं इस समय पर 126 अवला विधानसभा के लिए नया चेहरा हूं और वर्तमान में जो और प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं पार्टियों के, वो जनता ने कई बार उनको परखा है, तो इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया है, क्योंकि वो उनका पहले काम इस अवला में देख चुके हैं। उन्होंने ना जनता को अपने कार्यकाल में सम्मान दिया है और ना जनता का विकास किया है, इसलिए इस समय पर रुझान बहुजन समाज पार्टी के ऐतिहासिक रुझान है और जनता 80% 100 में से 80 वोट जो है बीएसपी को पड़ेंगे इस बार और 20 जो वोट है वो अन्य पार्टियों में जाएंगे। इतना अच्छा इस समय पर रुझान है। जैसे आपकी सरकार आती है और आप आवला से विधायक होते हैं, तो सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा शिक्षा के क्षेत्र? हमारी सरकार आती नहीं है, 101% इस बार हमारी बहन मायावती जी की सरकार बनेगी, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि पूरे प्रदेश से हम लोग देख रहे हैं बड़े अच्छे संदेश आ रहे हैं और पहले भी हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में जो किया है जनता उन्हें आज याद कर रही है, उनके कार्यों को, उनके विकास कार्यों को। शिक्षा के क्षेत्र में बहन जी ने काफ़ी बढ़ावा दिया था और जो गरीब बच्चे थे, जो बालिकाएं थी जिनको हाईस्कूल से इंटर से ऊपर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कठिनाई हुआ करती थी, पैसे की उनके सामने समस्याएं आती थी, तो ऐसी गरीब बालिकाओं के लिए एक साइकिल और 30,000 रुपये इंटर पास करने पर पहले की सरकार में मिलते थे और वर्तमान जो सरकार है उसने ये सब जो है सुविधाएं वास्तविक ये गरीब और पात्र बच्चों की हुआ करती थी, ये सब उन्होंने अपने एजेंडे से हटा दिए और वो आज भी नहीं दे रहे।